हे राधे राधे, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लीडर है और ये बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है, इसे जानने से पहले हमें बिश्नोई समाज के बारे में जानना चाहिए। बिश्नोई समाज जो है ये प्रकृति प्रेमी समाज है। ये प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं, ये जानवर से, पेड़ों से, हरे पेड़ों से और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। हरे पेड़ कटने पे भी ये विरोध करते हैं और जानवरों को तो मारा जाए तो ये पूरी तरह से विरोध करते हैं। और ये अपनी जान की बाजी लगा के जानवरों की रक्षा भी करते हैं। बिश्नोई आज के डेट में भी ऐसा है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। यहाँ की जो औरतें हैं, अगर मान लीजिए नेचुरल डेथ हो जाती है किसी जानवर की, या फिर जो कृष्ण मृग जो ब्लैक हिरन है, इसकी अगर काला हिरन इसकी अगर नेचुरल डेथ हो जाती है, तो इसके बच्चों को बिश्नोई समाज की औरतें अपना दूध पिलाती हैं। जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वैसे उस जानवर को अपना दूध पिलाती हैं, उन्हें पालती हैं। तो बच्चों जैसा लगाव है इनको। और इनके और इन्हीं के इलाकों में जब हम साथ साथ है की शूटिंग हो रही थी, तो सलमान खान ने इनके इलाके में जाके, जहाँ ये बिश्नोई समाज इन हिरणों के साथ रहते हैं, वहाँ जाके एक काले हिरण का शिकार किया था। सलमान खान पे एक और केस है, हिट एंड रन मामला, जो जिस पे उन्होंने पी के गाड़ी चला के रात देर आधी रात को मुंबई के सड़कों पे, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं उनके ऊपर गाड़ी चला दी थी और बहुत लोग मर गए थे। दोनों केस में सलमान खान बाइज्जत बरी हो गए। अब क्या हुआ, जब बरी हो गए तो बिश्नोई समाज का एक बंदा निकलता है, और लॉरेंस बिश्नोई जो है, इन्होंने 2018 में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसके पहले का क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि सलमान खान अगर हमारा एक मंदिर है हमारे गांव में, वहां आके अगर माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे समाज के लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं और हमारा समाज माफ़ कर देता है उन्हें, तो फिर हम सलमान खान को छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सलमान खान आपको पता है बहुत पहुँचे हुए अभिनेता हैं और उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने बिश्नोई समाज को भी पैसे से ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन बिश्नोई समाज पैसे से ख़रीदने वाला नहीं है। अभी एक इंटरव्यू आया लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि जेल में है। 2015 में पहली बार उसको जेल में लिया गया। बार बार पुलिस उसको रिमांड पे लेती है, जेल में लेती है, लेकिन उसे डर ही नहीं लगता। उसकी गैंग बहुत, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है बहुत यंगस्टर का गैंग है और ये किसी को भी मार देते हैं, चाहे वो कितनी भी तगड़ी सिक्योरिटी हो। इस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की और अभी अभी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली है। इस गैंग का जो लीडर है लॉरेंस बिश्नोई, इसका जो असली नाम है वो है बलकरन बरार, और इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 फरवरी 1993। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला तथा बाबा सिद्दीकी को मारा है, इसकी जिम्मेदारी दी है। और अभी हाल ही में इनका, इस लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में ये बंदा बता रहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी सिक्योरिटी हो सलमान खान की, सलमान खान ने भी इसको धमकी दी है कि तुम्हारे परिवार, अपने परिवार के लिए क्यों राम नाम सत्य बनना चाहते हो और तुम ये हो वो हो, उल्टा सीधा। तो फिर इसने कहा कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं एक एक को चबा जाऊँगा। और इसने ये भी कहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी सिक्योरिटी हो हम मार देंगे, हमारा तो एक ही लक्ष्य है। वो कहता है, उससे पूछा गया तुम्हारा एम क्या है, क्या चाहते हो, तो ये कहता है कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है, हम तो सलमान खान को मारना, बस हम उसे ही मारना चाहते हैं, मार देंगे। और क्या तुम तो गुंडे बन गए हो, कि गुंडा कहाँ हूँ मैं, गुंडा तो मैं तब बनूँगा जब मैं सलमान खान को मार दूँगा। जेल के अंदर ये बंदा हनुमान चालीसा पढ़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अनाज नहीं खाता है, और साथ ही साथ ये भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है। इससे पूछा गया कि तुम भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हो, तो इसने कहा कि हाँ, मैं पहले, हमारा पूरा गैंग भगत सिंह की टी शर्ट पहनता था, हम भी पहनते थे, लेकिन पुलिस वाले मुझे मना करते हैं तो अब पहनना छोड़ दिया। जब अंदर जेल के अंदर पहनता हूँ, लेकिन जब कहीं जाता हूँ, जब मुझे ले जाते हैं सुनवाई के लिए, तो फिर मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये लोग पहनने नहीं देते। लेकिन ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है और फिर ये खाना भी नहीं खाता है, मतलब अनाज नहीं खाता है, फल और उस पर सर्वाइव करता है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करता है। तो ये कोई गैंगस्टर नहीं कर सकता। बहुत लोग इसके पक्ष में भी खड़े हुए हैं कि जो बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई है, गलत क्या कर रहा है, जब कानून किसी को सज़ा नहीं दे सकती तो हम देंगे, बिश्नोई समाज अपने तरीके से निपटेगा। ये कहता है कि आप कानून को क्यों निपटे, कि कानून जब नहीं कर पा रही, ये चूँकि बरी हो गए हैं दोनों केस से, तो ये बस इसी वजह से मारना चाहता है, क्योंकि इसने, सलमान खान ने काले हिरन का
खून किया था और कब किया था, शिकार किया था, कब किया था, जब ये जाके इनके समाज में जोधपुर में जाके किया था, जहाँ ये बाहुल इनको शिकार करते हुए वहाँ के बिश्नोई समाज ने देखा भी था, और इस वजह से वो श्योर हैं कि इन्होंने ही काले हिरण का शिकार किया था, और तब से वो सलमान खान के विरोधी हैं और चाहते हैं उसको मारना। हालांकि इन्होंने कहा कि अगर वो हमारे मंदिर में आके हमारे समाज से माफ़ी मांग लेते हैं तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बंदा अपने इंटरव्यू में कहता है कि बहुत घमंड है ना उसे, रावण का भी घमंड जब नहीं रहा तो उसका घमंड क्या रहेगा। रावण, राजा रावण भी बहुत घमंडी थे, लेकिन उनका भी घमंड चूर चूर हो गया, और ये जो घमंड है इनका भी घमंड चूर चूर होगा। चाहे कितनी भी तगड़ी सिक्योरिटी रख लें, हम मार ही देते हैं। बहुत सारे रील्स इस पे बने हैं, आप उनको भी देख ही रहे होंगे। इन लॉरेंस बिश्नोई को बार बार रिमांड पे लिया जाता है, बार बार पुलिस उसको जेल बदलवाती है, कभी साबरमती कभी तिहाड़, ऐसे जेल में ये रहता है, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जेल के अंदर से ही मरवा देता है। ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मेरे विचार नहीं है, ये जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, इंटरव्यू इनका देखा है, वो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।